मेरा नाम सोमनाथ गोस्वामी है। मैं जमशेदपुर झारखंड में पला बड़ा और 6 साल पहले हैदराबाद में नौकरी करने आया था, और अभी भी मैं यही नौकरी कर रहा हूँ। और हैदराबाद से बहुत प्यार मिला है मुझे। फिर मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करी और रिसेंटली देहरादून में मैंने मिस्टर इंडिया DC थर्ड रनर अप का मेन टाइटल जीता और मिस्टर सेंट्रल इंडिया का टाइटल जीता, तो और मैं काफ़ी खुश महसूस कर रहा हूँ और मुझे मौका मिल रहा है आज आपके थ्रू जनता से बात करने का, तो आई एम वेरी हैप्पी जी। मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ जहाँ पे बहुत ऑर्थोडॉक्स थॉट्स होते हैं। वहाँ पे दाढ़ी रखना, टैटू रखना, स्पाइक्स रखना बहुत बड़ी बात है वहाँ पे। तो उसके लिए कई बार मुझे मम्मी पापा से डांट भी सुनने को मिली, बट जब वक्त गुजरता रहा, उन्होंने जब देखा कि मेरा बेटा कुछ गलत नहीं कर रहा है, ये बस उसका शौक है, ये उसके प्रोफेशन में आता है और चीज़ों को एनहांस करता है, तो उन्हें वो चीज़ समझ में आ गई। अब वो इतने रेबल हो गए कि जब कोई दूसरा बोलता है आपके बेटे के बॉडी में इतना टैटू है, बियर्ड ऐसा रखा है, तो वो खुद ही जवाब दे देते हैं, अरे कुछ गलत तो नहीं कर रहा, घर तो नहीं लूट रहा, बैंक तो नहीं लूट रहा, कुछ अच्छा ही काम कर रहा, फिटनेस में है, फैशन इंडस्ट्री में है। तो ये एक चीज़ थी जो हर मिडिल क्लास के लड़के लड़की दोनों को फेस करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी परेशानी थी जिससे हम बाहर आ चुके हैं, और अब मेरे भाई बहन, मेरी भतीजी, मेरा भांजा भांजी सब इस चीज़ से बहुत खुश हैं कि मैंने ये बैरियर हटा दिया है, और उन्हें अब वो एक मौका मिल रहा है जो मुझे बहुत तकलीफ़ से मिला, जो थोड़े मेहनत से मिला। तो इस बात से मैं बहुत खुश फील करता हूँ कि मुझे मौका मिला। अपकमिंग प्लान्स हैं कि कुछ शोज़ हैं जो एज अ शो स्टॉपर करने वाला हूँ, कुछ इवेंट्स भी है, और जैसे कि सर ने बताया कि मैं मॉडलिंग एक्टिंग में भी अब सिक्का जमाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक्टिंग के कुछ ऑडिशन्स हैं मेरे, वो भी लाइंड अप है, तो एक बारी वो फाइनल हो जाए तो मे बी शायद पर्दे पर भी मैं देखूँगा। तो मुझे एक बहुत मैं हमेशा कोशिश करता हूँ लोगों को इंस्पायर करूँ कि वो एक फ़िट लाइफस्टाइल जिए, हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। तो उसके लिए मेरे यहाँ के जितने भी दोस्त हैं, सारे ट्रेनर्स हैं, इतने ट्रेनर्स हैं मेरे दोस्त में कि मैं अगर कुछ गलत खाने भी जाता हूँ तो वो पॉइंट आउट कर देते हैं, ये नहीं खाना, ये हमारी डाइट में नहीं है। तो हम 4-5 लोगों का ये सपना है कि हम हैदराबाद से शुरू करें, पहले एक जिम ओपन करें हम यहाँ पर। हम टारगेट कर रहे हैं 2023, बाई एंड ऑफ 2023 हमारा एक जिम एटलीस्ट यहाँ ओपन हो जाना चाहिए, और वो बिल्कुल ओल्ड स्कूल रहेगा। और मैंने भी जब मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में था, मैंने जिम स्टार्ट किया था, मुझे मालूम है तब पॉकेट मनी से पैसे डाइट के लिए निकालना, जिम के लिए निकालना कितना मुश्किल होता है। तो उसमें मैं स्टूडेंट्स को डिस्काउंट देने वाला हूँ, डेफिनेटली दूंगा। वो मेंबरशिप डिफरेंट रहेगी, स्टूडेंट्स के लिए एक अलग प्रोग्राम रहेगा, क्योंकि तब उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, उनको काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आती, बहुत सारी गलत चीज़ों पे पैसे लगा देते हैं और वो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो मेरा एक दिली ख्वाहिश है मेरी कि मैं ये पूरी कर सकूँ, लास्ट 1.5 या 2 साल के अंदर मुझे करना है, कि यहाँ इस फील्ड में डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, अच्छी चीज़ें भी होती है, जैसा कि पूरी दुनिया में है, प्रोज एंड कॉन्स आर एवरीवेयर, सो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। शॉर्टकट्स ना ले, मेहनत वाला रास्ता चुनो, वो थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा मुश्किल होगा, कठिन होगा, बट वही रास्ता चुनो। मैं यही सजेस्ट करूंगा और मैंने वही रास्ता लिया है। मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिले थे बहुत सारी चीज़ों के, बट मैंने नहीं चुना, क्योंकि आई विल चूज़ सेल्फ रिस्पेक्ट एनी डे एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ रैदर देन चूजिंग एनी शॉर्टकट। और मैं आज उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ, मेरे मॉम डैड को फेस कर सकता हूँ मैं एक कॉन्फिडेंस के फेस के साथ कि हाँ मॉम, मैंने कोई गलत रास्ता नहीं चुना, मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ। मैं आपको भी यही कहूँगा कि डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, फोकस फोकस ऑन योर ड्रीम। सपने वही होते हैं जो दिन में आते हैं, रात में नहीं आते हैं। रात में जो आता है वो एक रिएक्शन होता है, वो एक बॉडी के थॉट्स होते हैं। सपने वही हैं जो दिन में आते हैं, मैं यही मानता हूँ। खुली आंखों से आप जो देख रहे हो वही सपना है, बस खुली आंखों से ही उनके पीछे आप मेहनत करो, वर्क हार्ड फॉर इट। एंड कोई कुछ भी बोले कि हाँ ये नहीं होगा तुमसे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो एक कान से सुन के एक कान से निकाल देना, ऊपर वाले ने 2 कान दिए हैं हमें और 2 आंखें दी हैं कि हम अपने गोल पे फोकस रखें। तो अब बस उसी पे फोकस रखें, मेहनत करें, मेहनत का साथ ना छोड़ें, क्योंकि फिर मेहनत आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से। अगर आप मुझे इंटरव्यू के बाद कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, तो आप इंस्टाग्राम पे the_NAMEZ_SOM SOM आप वहाँ पे मुझे DM कर सकते हो, वहाँ पे पिंग कर सकते हो, फॉर बिजनेस क्वेरीज, फॉर एनीथिंग, आपको कुछ भी पूछना है फिटनेस से रिलेटेड, आप वहाँ पे मुझे DM कर सकते हो। फेसबुक पे भी मैं हूँ, सोमनाथ गोस्वामी आप सर्च करोगे तो मेरा प्रोफाइल आपको वहाँ ज़रूर दिखेगा। और या डेफिनेटली आई वुड लव टू कनेक्ट विद द ऑडियंस देयर ऑल्सो, मैं करता रहता हूँ, तो आशा करता हूँ कि हमें मुझे और मौका मिलेगा और लोगों से बात करने का।